ये मैं इसको बेल रही हूँ, एक रोटी का मैंने ले लिया पेड़ा, अब मैं इसको बेल रही हूँ थोड़ा सा, इसको बेल के फिर उसमें डालती हूँ, शामिल करती हूँ। ये देखिए मैंने इसमें ये डाला मसाला, अब मैं इसको ऐसे करके ये देखें इस तरह बेल लूंगी मैं। ऐसे ये बारीक सा पराठा बन जाएगा। मैंने तवा गर्म कर लिया था हल्का सा घी लगा के, अब मैंने इस पे रोटी डाली है, अब मैं और ये देखिए मैंने घी लगा दिया इसको रोटी को, अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबका, इंशाल्लाह ताला ठीक होंगे, हम भी ठीक है। आज मैं होम रूटीन में काले चनों का पराठा बना रही हूँ, और ये मैंने लिए काले चने, और इसको मैं पीस लूँगी, इसको मैंने उबाल लिया था, अब ये मैं पीस रही हूँ, ये पीस जाते हैं फिर मैं इसमें बाकी चीज़ें शामिल करती हूँ। ये देखें चने सारे पीस गए, ये सारे मैंने पीस लिए हैं सारे चने अच्छी तरह, अब मैं इसमें शामिल करूँगी प्याज, थोड़ा सा प्याज डालूँगी, ये धनिया शामिल करूंगी इसमें, और ये सब्ज मिर्चें, और ये मैंने लिया कुटी ही मिर्च, ये पीसी ही मिर्च, और ये मैंने नमक लिया है, और ये लिया मसाला पिसा हुआ, ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। इसको मैं ये अच्छी तरह मिक्स कर लेती हूँ, अब ये मैं पराठे में इसको लगा के इसको पेड़े के अंदर रख के मैं इसका पराठा बनाती हूँ। ये मैं इसको बेल रही हूँ, एक रोटी का मैंने ले लिया पेड़ा, अब मैं इसको बेल रही हूँ थोड़ा सा, इसको बेल के फिर उसमें डालती हूँ, शामिल करती हूँ। ये देखिए मैंने इसमें ये डाला मसाला, अब मैं इसको ऐसे करके ये देखें इस तरह बेल लूंगी मैं। ऐसे ये बारीक सा पराठा बन जाएगा। मैंने तवा गर्म कर लिया था हल्का सा घी लगा के, अब मैंने इस पे रोटी डाली है, अब मैं और ये देखिए मैंने घी लगा दिया इसको रोटी को, देखिए कितना खूबसूरत और मज़ेदार बना पराठा। और आप हमारे होम रूटीन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और बहुत मज़े के बने पराठे, आप भी ऐसे बनाएं, बच्चों को दें, बच्चे खुश होते हैं खा के ऐसे पराठे।
और खुश रहें और खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।